नहीं है, उद्देश्य है कि कैसे पुलिस व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है, और इसमें मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आप नोडल अधिकारी के रूप में सर का आज यहाँ पर पदार्पण हुआ है, पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है, थाना हापुड़ में देहात का इंस्पेक्शन करना, साथ ही साथ बहुत खामी है और बहुत अच्छा कार्य है यहाँ पे, हमें कभी शिकायत का मौका इस थाने से नहीं मिलता किसी भी तरह। सब लोगों का गुलमुल पे असलियत तक पहुँच जाते हैं। हमारे गांव में अक्सर कई मामले ऐसे हुए जिनमें खामुखा की एप्लीकेशन आ जाए, फिर ऐसी रह जाते। तो मेरा आपसे निवेदन यह है जी, जैसे हमारे यहाँ चौकी में भी चल रहा, तो पूरा भी इसी तरीके से भाईचारे से बैठ के असलियत पता पड़ जाते गाँव में घूम के, तो कई मुकदमे जो फर्जी हुए उनका निस्तारण वहीं क्यों वहीं हो गया, बेनाम भी निकल गए, लोग नाम लिख के दे रहे, लेकिन उन्हें भी पनिशमेंट मिल जाना चाहिए जो किसी के वाहियात गर्दी में नाम लिखवा दे। मेरा नाम अमित चंद्रा है और मैं IGPAC के रूप में नियुक्त हूँ, IGPAC पश्चिम जोन, मेरा ऑफिस मुरादाबाद में है, हेडक्वार्टर मुरादाबाद है। और जैसा कि आपको बताया अभी कि शासन का एक निर्देश हुआ है कि सभी जनपदों में एक एक अधिकारी को नोडल के रूप में भेजा जा रहा है, जैसे अभी मुगल में लिखे गए हैं या तहरीर मुगल में लिखे जाते, जांच नहीं हो पाती सही से, या हो पाती है तो ऐसा क्यों, मतलब क्या है इस पर? देखिए अभी जैसे आपको आप लोग अवगत हैं कि शासन के निर्देश हुए हैं कि हर जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं जो जाके पुलिस के संबंधी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उनको देखें, तो उसी श्रृंखला में हम आज आए थे और अभी पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है, उसके बाद इस थाने का भी निरीक्षण करने जा रहे हैं। उसके पहले ही पब्लिक से एक मुलाकात थी जो कुछ बातें आई हैं, कुछ लोगों ने बताया कि पुलिसिंग बहुत अच्छी हो रही है, कुछ एक लोगों की समस्या भी थी, तो उस समस्या को हमने नोट कर लिया है और अभी कप्तान साहब से संबंधित इंस्पेक्टर से इंचार्ज से उनसे उसमें वार्ता भी करेंगे, उसमें क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई उस पर भी विचार किया जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा उसमें।